अच्छा हाँ सुनिए, मेरे को एक बिस्कुट चाहिए था क्योंकि मैं जल्दी में था। तो मैं दुकान देखा नजदीक, तो मुझे बिस्कुट चाहिए, गुड्डे चाहिए। गुड्डे सर, गुड्डे गुड्डे, हाँ गुड्डे सर, गुड्डे गुड्डे। कितनी कीमत है इसकी? 10 रुपये सर। 10 रुपये सर, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। अच्छा तो 10 रुपये में देता हूँ, 10 रुपये आपको निकाल के। 10 रुपया, देता हूँ। लीजिए इसको काट लीजिए, है ना। लीजिए 100 रुपये पकड़िए और काटिए इसको, ठीक है, काट लीजिए। ठीक है, खुले तो नहीं सर, सॉरी। तो हाँ हाँ दीजिए आप, है ना, दीजिए। ये क्या है जी? ये सर पियानो है सर। अच्छा पियानो, अच्छा अच्छा। तो क्या आप पियानो सीखते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा तो पियानो सीखते हैं, क्यों? पियानो बजा लेता हूँ, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, और एक्चुअली मैं सिंगिंग का काम थोड़ा सीख रहा हूँ, गाता बजाता भी थोड़ा। तो अच्छा, तो कहने मतलब कि तो मतलब आप पियानो सीखते हैं, तो कैसे समय निकाल लेते हैं, इतना कैसे कर लेते हैं आप? जब भी समय मिलता है तो मैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे दुकान पे ला करके रखा हूँ। अच्छा, पियानो को। अच्छा, जब भी मुझे वक्त मिलता है, जब कोई ग्राहक नहीं होता है, तो खाली टाइम में मैं इसको यूज कर लेता हूँ, गा लेता हूँ, बजा लेता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करो जाती है। तो आप दिल्ली में जो आपकी शॉप है, कब से आपकी मतलब है दिल्ली में? हो गए दिल्ली में, हमारे शॉप लगभग 10 साल हो गए होंगे। बाप रे बाप, 10 साल से आप हैं जी, जी। और इनमें तो आपको इसमें किस, आपको इसमें किस प्रकार से इंटरेस्ट आया? इंटरेस्ट तो गाने बजाने का शौक है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। तो किसके किसके प्रभाव मतलब किस किसके प्रभाव में आकर मतलब आपको अच्छा लगा, किसको आपने आदर्श माना तो आप इस प्रकार से सीखे? मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली, मैं तानसेन एकेडमी में भी कुछ साल मैंने वहाँ पे सीखा है। अच्छा अच्छा, 2-3 साल। और कोरोना काल आ गई, तो कोरोना काल आ जाने की वजह से जो है हमारा वहाँ पे आना जाना बंद हो गया है, अभी इंस्टीट्यूट चल नहीं रही है। अच्छा, तो उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैंने अपने जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देखा है। जो हमारे गुरु जी से संपर्क बना हुआ है, उनसे जो भी होती है मैं उनसे पूछता हूँ। अच्छा। जो हमें नहीं आता है उनसे उनसे नॉलेज लेता हूँ और इसकी प्रैक्टिस करता हूँ मैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अभी चलते चलते, क्योंकि मैं अभी मैं जा रहा था, तो अच्छा, एक सरस्वती वंदना सुना सकते हैं आप? सरस्वती वंदना या सरस्वती वंदना तो यहाँ पे दुकान पे है। अच्छा, तो ऐसा करिए, मैं आपको बजा कर थोड़ा सा निकालता हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि मैं अब चलने वाला हूँ। लेकिन मैं जाते समय इतना तो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन ले लिया, लेकिन मैं अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। जी, मेरा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, पंकज कुमार, आगे भी कुछ है क्या? जी, हमारे वैसे यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल पे हमारा पंकज परदेशी इंटरटेनमेंट से हमारा नाम है। अच्छा, वैसे पंकज परदेशी हमारे कोई एल्बम वगैरह अगर बजाते हैं तो हमारा पंकज परदेशी के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कोई और चैनल पर भी आपका कोई गाना वगैरह है क्या? जी, हमारा अपना पर्सनल चैनल भी है पंकज परदेशी इंटरटेनमेंट से। अच्छा अच्छा, आपका पर्सनल चैनल है। अच्छा अच्छा, जी। तो आपने देखा कि पंकज परदेशी भाई जो हैं, तो ये जो हैं पूरा मतलब कि इन्होंने अपने जीवन काल में मतलब इन्होंने दुकान की देखी पूरी, इन्होंने अपने शॉप को पूरा बना रखा है ना, पूरी शॉप को देखिए। तो आप देखिए कि कितना ये अपना देख रहे हैं कि मतलब दुकान में रहते हुए भी ये पूरा वो गैस भी देखिए पूरा मेहनत करते हुए अपने जीवन में ना अपने, और उसके बाद देखिए कि दुकान में भी इतने काम करते हुए ये सीख रहे हैं और लोगों को भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम इनकी चीज़ को हम देखें, और कृपया करके जो भी चैनल को देखें तो इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे,
पंकज परदेसी के नाम से। फिर मैं आपको मिलता हूँ।